तो हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको ये पढ़कर पता ही लग गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। सो आज का टॉपिक है ब्रश कैलीग्राफी, और ये जो स्पेसिफिक वीडियो है ये है ब्रश कैलीग्राफी कि कौन सा पेन बेस्ट है। सो, मेरा नाम इंकू है और ये मेरा वन ऑफ माय फेवरेट पेन है। और ऐसा नहीं है कि मेरा ही फेवरेट पेन है, मैं जितना भी अपने आसपास लोगों को देखता हूँ ये सबसे ज़्यादा लोग ये पेन यूज़ करते हैं, और वर्ल्ड वाइड भी इसी पेन का बोलबाला है। सो, आइए जानते हैं कि इस पेन में ऐसा क्या खास है। सो, अगर आप देखेंगे दिस इज दी ओरिजिनल पैकेजिंग इन इंडिया बेसिकली। सो, ये है दो पेन का सेट है, ये है हमारा हार्ड टिप पेन जो ब्लू बैरल है, और ये है हमारा ब्लैक बैरल जो कि सॉफ्ट टिप पेन होता है। और इसमें सबसे अच्छी बात एक और है कि ये वाला जो पैकेजिंग है मैंने डिज़ाइन किया है, अगर आप देखेंगे तो आर्ट वर्क बाय इंकू कुमार लिखा हुआ होगा। जब भी आप ये दोनों पेन का स्पेसिफिकली सेट खरीदेंगे ये ईजिली अवेलेबल है अमेजोन पे, और मैं आपको नीचे लिंक भी दे दूंगा, या आप अमेजोन से भी ले सकते हैं। तो ये जो इम्पोर्टर हैं, जो इंडिया के जो मेन इम्पोर्टर हैं वो हैं हॉबी क्राफ्ट इंडिया। सो, मैं हॉबी क्राफ्ट इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे चुना और ये पैकेजिंग को डिज़ाइन करने का अवसर मुझे प्रदान किया। सो, मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा है। ये बेसिकली एक ड्रीम कम ट्रू टाइप है, क्योंकि मेरे को ब्रश कैलीग्राफी बहुत अच्छी लगती है। मैं इंग्लिश और देवनागरी दोनों ही ब्रश कैलीग्राफी से बहुत एंजॉय करता हूँ। तो आइए देखते हैं इसमें खास क्या है बेसिकली। सो, आप इसे ड्राइंग वगैरह ये भी कर सकते हैं, आप देख रहे होंगे, ठीक है। सो, ये है तो आप ब्लू बैरल जो मैंने बताया जो हार्ड टिप होती है, और ये ब्लैक बैरल है। तो इन दोनों को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, फ्यूदानोसुके। अब फ्यूदानोसुके होता क्या है बेसिकली। सो, बेसिकली क्या होता है कि फ्यूदानोसुके, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि फ्यूदानोसुके, फ्यूदे मीन होता है ब्रश पेन, नोसुके होता है बेसिकली ट्रेडिशन है एक जैपनीज जिसमें पॉजिटिव वाइब्स को वो काउंट करते हैं। सो, जितना मुझे आइडिया है कि ट्रेडिशन वाइब्स है, और फ्यूद का मतलब ब्रश पेन होता है। सो, अब देखते हैं कि, और ये एक जैपनीज ब्रांड है। सो, जैसे कि मैंने आपको बता दिया फ्यूद मीन क्या है और नोसुके मीन्स क्या है। अब अगर हम देखें तो इसको जो बेसिकली ये जो वर्क करता है, ये ब्रश पेन वर्क करता है, जो बेस्ट आउटपुट इसका आता है वो आता है -45। सो, -45 का एंगल क्या है ये। सो, जब आप इस पेन को पकड़ते हैं तो आपको इस तरीके से नहीं पकड़ना है, आपको इस तरीके से टिल्ट करके पकड़ना है ताकि ये -45 का एंगल आए, ताकि इस पेन का आउटपुट आप अच्छे से यूज़ कर पाएँ। अगर आप इस तरीके से यूज़ करेंगे +45 पे तो दिस इज़ रॉन्ग। इम्पॉर्टेंट इज़ वॉट, -45, ये देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। सो, ये इसका बेस्ट यूज़ है। अब जाने के भी इन दोनों टिप में डिफरेंस क्या है, ये दो इस पेन में लोग बहुत, इस सेट में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इन दोनों का, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये, अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसका जो वाइटनेस, वाइट बॉडी है वो, उसके ऊपर जो ब्लैक पार्ट है वो छोटा है, और इसका जो ब्लैक पार्ट है वो बड़ा है जो सॉफ्ट टिप का है। तो यहाँ मैंने ड्राइंग बना रखी है। सो, ये जो सॉफ्ट टिप का जो पार्ट है वो बड़ा है, अगर आप कंपेयर करेंगे तो देखेंगे ये बड़ा है, तो ये सॉफ्ट है, और ये छोटा है, ये हार्ड है, और इसका जो पॉइंट भी है वो काफ़ी हार्ड होता है। सो, अगर हम इससे कुछ लिखने का ट्राई करें तो देखिए कैसे आता है। ये देखिए, ये हार्ड टिप है, आप देखिए इसको, और ये है हमारा सॉफ्ट टिप। अब आपको इससे ही पता लग जाएगा कि ये कितना थिक दे रहा है, बिकॉज ऑफ जो इसका जो ब्लैक जो पॉइंट है वो बाहर की तरफ निकला हुआ है, ठीक है। ब्रश कैलीग्राफी एक तो -45 पे वर्क करती है, और जितने भी स्ट्रोक नीचे के होते हैं वो हार्ड होते हैं, और जितने भी स्ट्रोक्स ऊपर के होते हैं वो लाइट होते हैं। सो, ये दो स्ट्रोक्स पे चलता है, हार्ड और लाइट पे। सबसे ईजीएस्ट ये मॉडर्न कैलीग्राफी होती है। सो, ब्रश कैलीग्राफी इज टोटली मॉडर्न कैलीग्राफी। आप थोड़ी ही प्रैक्टिस करेंगे और आप बहुत अच्छे से उसे आप पिकअप कर सकते हैं। चलिए कुछ लेटर्स देख लेते हैं लिखकर। Thank you.